Hey guys, good morning and welcome back to another video. So guys, finally, बहुत दिनों के बाद आई एम बैक एंड टाइटल थंबनेल देख के पता चल गया होगा कहाँ जा रहा हूँ। एंड बहुत दिन हो गया एंड यस गाइस आई एम बैक इन हिंदी। हिंदी में भाई भी अलग है ना, क्या बताए यार। तो फिलहाल जा रहे हैं हम फुलवाड़ी से होके जाएंगे और कैसे जाएंगे ये कुछ नहीं पता, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है रास्ता का। पहली बार जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ एंड देखते हैं यार। गूगल मैप का सहारा है, वही देख देख के जाना पड़ेगा। एंड उधर क्या है क्या नहीं है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। प्लान तो था बहुत दिन से, लेकिन आज जाने का प्लान सडनली हो गया। तो वो सुबह सुबह निकल गया हूँ, अभी सुबह का बज रहा है 9:10 हो रहा है और गाड़ी में फ्यूल है। थोड़ा दूर जाके मैं फ्यूल अप करा दूँगा, अभी चलने लायक है, आराम से 40 किलोमीटर तो जा सकते हैं इसमें। तो फिलहाल हम निकल चुके हैं एंड अप्रोक्स 135 किलोमीटर है, तो तीन घंटा जैसा तो लगेगा, दिखा रहा है मैप, बट आई डोंट थिंक कि 3 घंटा लगेगा, 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो अभी हम है उत्तर कन्नड़ में, यहाँ से जाएंगे फुलवाड़ी, फुलवाड़ी से होके सीधा जो रास्ता जाता है जलपाईगुड़ी की तरफ, वो रास्ते से हम जाएंगे, क्योंकि उस पर ज़्यादा और कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट था लेकिन मैं वो लिया नहीं, क्योंकि रास्ता खराब होगा अंदर का। बाकी बातें रास्ते में होगी, चलो थोड़ा गाड़ी भगाता है, क्योंकि मैंने 2.5 घंटा बोला है और ऐसे अगर गाड़ी चलाते रहे तो 3.5 घंटा लग जाएगा। तो चलो थोड़ा गाड़ी भगाते हैं, फिर आप लोगों से बात होगी रास्ते में। चलो लेट्स गो। तो गाइस 5-6 किलोमीटर आने के बाद मैंने फ्यूल अप कर लिया और ये 5-6 किलोमीटर बहुत, क्या बोले, रास्ता बहुत ही ख़राब था, तो थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ा। रास्ता ख़राब है और वन लेन है, सबसे बड़ा दिक्कत वन लेन है, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो बहुत बड़ी गलती है। एंड फ्यूल था लेकिन मैंने फ्यूल अप करा लिया, क्योंकि लेना नहीं है, फुल टैंक नहीं करवाया, लेकिन जितना है उसमें आना जाना हो जाएगा। एंड अभी उसके बाद ड्यूल लेन शुरू हो गया है, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और रोड भी बढ़िया है। और अभी तक मैंने मैप नहीं देखा, क्योंकि रास्ता सीधा है, अभी सीधा ही जाना पड़ेगा इधर से। कहीं पर अगर डाउटफुल लगता है कि दो लाइनें दो अलग अलग तरफ जा रहा है, तो उधर मैं थोड़ा मैप खोल के देखूंगा कि किस तरफ जाना है। बाकी कल मैंने देखा था रात को कि मैप कैसा है, नहीं है तो सीधा ही है अपना, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आई होप कि साउंड वगैरह सब ठीक ठाक आ रहा है और क्लियर हो। दिवाली के बाद से मैंने इसके यूज़ नहीं किया है, मैंने दिवाली में एक शूट किया था व्लॉग, लेकिन उसको मैं डाला नहीं,
क्योंकि यार अच्छा नहीं हुआ था वो, तो इसलिए मैंने उसको डाला नहीं। बाकी लास्ट ब्लॉग मेरा दुर्गा पूजा वाला ही आया था, जो जिसमें मैं मालदा गया था। उसके बाद ये बड़ा लॉन्ग ड्राइव पर निकला वो भी। तो मुझे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो में अभी बना नहीं सकता इससे, क्योंकि इसका बैटरी साथ नहीं लेगा इतना देर तक। तो मैं थोड़ा दूर चलाऊँगा, उसके बाद फिर इसको ऑफ करूँगा एंड देन फिर इसको ऑन करके। तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा आपको, क्या करें। जलपाईगुड़ी क्रॉस करके आ गया एंड रुकना तो चाह रहा था पर रुका नहीं मैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, रुका नहीं मैं इसलिए। जलपाईगुड़ी क्रॉस करके आ गया अभी सामने पड़ेगा मैनागुड़ी एंड उससे पहले पड़ेगा तिस्सा रिवर। पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो रेलवे का ब्रिज है एंड हम लेफ्ट जाएंगे एंड आगे चल के रुकेंगे हम थोड़ा, क्योंकि यार रुकना ज़रूरी है। गाड़ी कंटिन्यूसली चल रहा है, गाड़ी आप देख सकते हैं कि नहीं पता नहीं, हीट हो गया है बहुत। थोड़ा समय रुका था इधर, चलो फटाफट चलते हैं आगे जाके। फिर एक बारी 10-15 मिनट रुकेंगे फिर तो इसके बाद चलेंगे। मन तो कर रहा है यार थोड़ा सा उधर के नज़ारा देखा जाए कैसा है, बट चलो। ऑलरेडी 10:30 बज गया है, मेरा घर से निकला हुआ 1.5 घंटा हो गया है एंड मैं आधा रास्ता भी नहीं पहुंचा हूँ, और कहाँ मैं सपना देख रहा था 2.5 घंटे में पहुँचूँगा। अरे यार लगभग 70-80 किलोमीटर मैंने क्रॉस किया है। अभी सामने है तोरसा रिवर अभी एंड
कोचबिहार है यहाँ से 18 किलोमीटर, तो चलो फटाफट चलते हैं। आई नो आप लोगों ने बहुत सारा पार्ट मिस कर दिया, लेकिन क्या करें, आप कैमरा का बैटरी उतना नहीं था एंड मुझे वापस रिटर्न भी आना है आज ही, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज चला रहा हूँ क्योंकि अभी 1 बज गए ऑलरेडी। मैं कहाँ सोच रहा था 12 बजे तक पहुँच जाऊँगा, 1 घंटा ऑलरेडी हो गया है और यहाँ से शायद अभी भी मुझे आधा घंटा लगेगा और चलने में, तो ये है तो सही बात। बनाने के चक्कर में गाड़ी मुझे स्लो करना पड़ता है क्योंकि साउंड के लिए साउंड कैप्चर नहीं होता है। एंड मैं थोड़ा सा चार्ज बचा के रख रहा हूँ इसका, क्योंकि आने का भी थोड़ा बहुत बनाना है। जानता हूँ रात हो जाएगा, लेकिन वहाँ से निकलते टाइम एंड कुछ तो शॉट ले ही सकते हैं।